गाइस क्या आप लोगों को मालूम है बटरफ्लाई का जन्म कैसे होता है, यानी कि तितली का जन्म? नींबू के पत्ती खा रहे कैटरपिलर को निकाल कर एक कप में रखते हैं और देखते हैं बहुत छोटा सा जीव है जो वहाँ पे चल रहा है। फिर उसको एक डब्बे में रखते हैं, वो पत्ती खाकर उससे बड़ा और ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर उसको बड़े डब्बे में रखते हैं, वो ढेर सारी पत्तियाँ खा लेता है और बहुत ही मोटा हो जाता है। और इस दौरान वो इतनी पत्तियाँ खाते हैं कि मानो उनका जन्म केवल खाने के लिए ही हुआ हो। और वो जब पत्तियाँ खाते खाते काफ़ी मोटे हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप को एक छल्ले में, एक रुई के छल्ले जैसे पैक कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में उसमें से जो निकलता है आप देखकर तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे उसी को फोड़कर एक तितली का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, बटरफ्लाई, और वो आराम से अपने पंख को खोलती है, उसके बाद उड़ जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।